दोस्तों मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आया हूं आपके मनपसंद चैनल आर सोनी न्यूज पर खास कार्यक्रम चर्चा, जिसमें हम बातचीत करते हैं सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक के साथ साथ राजनीतिक के लोगों के साथ और साझा करते हैं उनके अनुभवों को आपके साथ साथ ही होती है उनकी खट्टी मीठी बातें हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। छात्र जीवन से ही राजनीति के सफर में कदम रखकर दिल्ली की राजनीति व गांव देहात के साथ दक्षिणी दिल्ली में अपनी कार शैली के कारण लोगों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी 3 बार लगातार तुकुलकाबाद से विधायक रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं। दक्षिणी दिल्ली में आधा इलाका ऐसा है जो कि गांव देहात में आता है और खुद सांसद रमेश बिधूड़ी देहात से जुड़े हुए हैं। इस वजह से वो हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं और शायद यही वजह है कि लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद भी वह बीजेपी सांसद हैं। दक्षिणी दिल्ली की जनता के दिलों में उन्होंने अपनी छवि तेज तरार और जोशी भाषण जनता के सेवक प्रतिनिधि और सेवादार के रूप में बनाई है। लगातार सुर्खियों में रहने की वजह यह भी है कि जनता की आवाज को बुलंदी से उठाते हैं। शायद यही वजह है कि दक्षिणी दिल्ली में उनकी एक अलग ही पहचान है। आज हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में हमारे सीनियर एडिटर दीप सिलोड़ी ने उनसे खास बातचीत करी हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आइए हम देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी से और जानेंगे उनके कार्यों के बारे में, साथ ही संगठन के बारे में और उनके 5 साल के कार्य जो उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में किए हैं उनके बारे में लिखा जोगा उनसे होगी खास बातचीत। हमारे कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में। छात्र जीवन से ही जो है आप राजनीति में सक्रिय हुए, साथ ही इमरजेंसी के दौर को भी आपने बखूबी देखा, आपके परिवार ने देखा, तो क्या कारण रहे कि आप सर राजनीति की ओर आपका रुझान ज्यादा था? ये कुछ परिवारों से संस्कार मिलते हैं। मेरे पिताजी समाज सेवा में बहुत ही अपना ध्यान रखते थे, विश्वास समाज सेवा में ज्यादा रखते थे और गांव के अंदर भी हमारे वहाँ आर्य समाज मंदिर है, हमारे वहाँ स्कूल है, हॉस्पिटल है। हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी के माध्यम से अपने भाइयों के सहयोग सबने लेने के बाद वहाँ पर अपनी स्वयं की जमीन को जनहित के लिए डोनेट किया। वरना जीते जी कोई नहीं चलता, थोड़ी बहुत जमीन ही कम 3-4 एकड़ जमीन जबकि समाज आर्य समाज मंदिर आज भी है, एक सरकारी स्कूल प्राइमरी है और हमारे परिवार के और अन्य परिवार के सदस्य उनसे भी कुछ जमीन दिलवाई साझा करके, तो समाज सेवा के काम में लगे रहने का ही हमें संस्कार हमारे पूर्वजों से मिले हैं, उसी को लेकर काम करते रहे और कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी शक्तियाँ देश में मजबूत हो, देश के पार्टीशन की व्यवस्था, क्योंकि पार्टीशन कैसे हुआ, किन व्यक्तियों के कारण हुआ, देश को कैसे आजाद कराया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष आम सहमति से किसको बनाना तय हुआ, कौन जबरदस्ती से ड्रग डीलिंग में बन गया, ये सब चीजें हमें बचपन से ही परिवार से नहीं और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने से जानकारी मिल गई, परिवार से नहीं मिल गई। देखो, लोगों को झूठ बोलकर कोई चीज एक बार प्राप्त कर सकते हो आप, लेकिन बार बार प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और आपने किसी से वायदा किया है तो कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हमारे उनमें भी कहा गया है आध्यात्मिक उनमें भी ग्रंथों में भी कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और कहीं ना कहीं लोगों का प्यार लेने के लिए उस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक दृष्टि से विद्यार्थी परिषद के टाइम से हम काम करते चले आ रहे थे इसी विचारधारा के साथ में। पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए टिकट दिया, लेकिन वहाँ एक मानसिकता ऐसी बनी हुई थी कि कांग्रेस डोमिनेट लोग रहते थे और कांग्रेस का गर्व उस एरिया को तुरंत लोग बताया करते थे और लंबे समय तक वहां कांग्रेस चुनाव जीतती चली गई थी, क्योंकि गरीब वंचित उपेक्षित वर्ग है उसके मन में एक बात घर कर रही कि वो कांग्रेस ने देश को आजाद करा है, कांग्रेस गरीबों के हितैषी है और जो और विचारधारा स्वामी विवेकानंद दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा जनसंघ के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से पनपी थी उसको एक तरह से व्यापारियों का संगठन बताकर और देहात की ही भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आबादी 92% 90% उस जमाने तक तो शहरीकरण हुआ है, सब गांव में रहते हाथ में रहते थे तो दीप जी वो गांव में संख्या रहने के कारण से उन लोगों के मन में एक धारणा बन गई कि ये व्यापारियों का संगठन है और उनको शहरों तक गरीब लोगों तक जाने में
बाधा बनी रही कांग्रेस, ये प्रचार करते दूरदर्शन, मीडिया, समाचार पत्र, सब पर कांग्रेस का आधिपत्य था। समाचार पत्र भी निकलते तो वही जोकर निकलते थे, तो जिन लोगों को जो परोसा जाएगा वो सुनेंगे लोग, तो लोगों में धारणा पैदा करती कि गरीबों के देश इस देश में केवल कांग्रेस है। तो वहां पर लंबे समय तक कांग्रेस जीतती चली आई थी। पार्टी ने मेरे पर मुझे भरोसा जताया, मुझे वहां से चुनाव लड़ाया, हम चुनाव लड़े, हम लूज कर गए, लेकिन पार्टी ने कहा कोई बात नहीं, पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और 1996 में केएल शर्मा जी वहां से सांसद के रूप में जीते। दो साल लोगों तक बात पहुंचाने में, दिल्ली की सरकार के काम करने के वजह से लोगों तक उनके चीजों को सुनते हुए पार्टी आगे बढ़ गई। और 96 में हम अपने निजी गांव से भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की। और 96 से लेकर आज तक जितने भी चुनाव हुए, 16-17 चुनाव हो गए, MCD के 5-6 हो गई, विधानसभा के 6 हो गए, लोकसभा के 5 हो गए, हर चुनाव में मेरे गांव से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए, जबकि मेरे पहले चुनाव में दिया नहीं। जब उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी कि वास्तव में हम सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, इस देश में 55 साल तक एक ही परिवार ने राज किया और 63 साल के देश की आजादी में लोगों ने सत्ता भोग की राजनीति की और हम सेवा भाव से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लोगों ने उस चीज को पकड़ा। क्या लगता है सर के क्या आपके विकास कार्य रहे जिसके कारण लगातार जो है तुगलकाबाद की जनता ने आपको जो है प्यार दिया, आपको जिताया? वो विकास कार्य जिसकी बात जो लोग 40-35 साल से बात देखते रहते थे, नेता आते थे चुनाव में वायदे करके चले जाते थे, जैसे कांग्रेस ने वायदा 2004 में कहा था 3 साल में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, सभी गरीबी दूर कर देंगे, 2004 के मैनिफेस्टो में। 2009 का मैनिफेस्टो कांग्रेस को उठा, उसने भी उसने कहा कि 3 वर्ष में हम हर नौजवान को रोजगार दे देंगे और किसानों को कर्ज मुक्त रखेंगे। 2009 में मांगा, 2014 का मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, कांग्रेस राज कर रही है 10 साल। 2014 के मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने 3 साल का समय लोगों से मांगा, जैसे अब राजीव गांधी कहते फिर रहे, राहुल गांधी कहते फिर रहे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था। हम जिस काम को कर नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी के अंदर नहीं है, हमने राजनीतिक जीवन में कभी वो बात, वो झूठा आश्वासन लोगों को दिया ही नहीं, कहा ही नहीं, जिसको हम कर सकते हैं, करने लायक है। जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कहा था, जो कर सकते हैं वो कहा, और हर विषय को छूकर, हर वर्ग के अंदर, हर विषय को छूकर, हर क्षेत्र में काम किया प्रधानमंत्री जी ने। हर वर्ग के अंदर अनुसूचित जाति, सुप्रीम कोर्ट ने उनके कानून में बदलाव करने की कोशिश की, गिरफ्तारी जांच के बाद होगी, प्रधानमंत्री ने उसमें अमेंडमेंट ले लाए। बहुत अपर वर्ग सामान्य वर्ग के लोगों को दर्द हुआ, ओबीसी के वर्गों को नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति लोगों की चिंता करते हुए उनका ध्यान रखा। ओबीसी वर्ग के लोग 1955 से 2100 जातियां ओबीसी समाज में देश में रहती है, हमारे देश में वो वर्ग 1955 जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कहता था कि ओबीसी आयोग होना चाहिए, उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग भी अपने अधिकारों की बात कही रख सके, और उसकी बातों की उपेक्षा की जाए तो संवैधानिक रूप से वो चैलेंज करके प्राप्त कर ले। 55 से लोग प्रयास कर रहे थे देश के लोग, वो पूरा किया तो मोदी जी ने किया। सामान्य वर्ग में क्या गरीब लोग नहीं रहते? सामान्य वर्ग में गरीब लोग रहते हैं, जिनको सड़क वर्ग बोलते हैं, वहां भी बहुत दयनीय स्थिति है परिवारों की, उनके बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, बड़े बड़े घरानों के बच्चे तो दीजी लंदन पढ़ने चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, MIT में पढ़ लेंगे, गरीब का बच्चा तो सरकार क्यों पढ़ेगा, उसके 90% पढ़ाएंगे नहीं तो कहां मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने बगैर किसी के आरक्षण को छेड़े हुए 10% की व्यवस्था उस वर्ग को भी देने की बात कही। सबका साथ सबका विकास नारा झूठा नहीं दिया, करके दिखाया। मुस्लिम समुदाय की बहने जिनको अपमानित किया जाता था, रोटी जल गई, सब्जी गलत बन गई, पति ने ताना मारा, तलाक तलाक घर में बैठा दिया, क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर, क्या बीतती होगी पिता के ऊपर जिसकी बेटी शादी होने के एक साल बाद घर में बैठा दीजिए वापस। 3 तलाक के बारे में चिंता नहीं, जिसको वो जरूरी लागू होना चाहिए। एक ओजस्वी भाषण आपके होते हैं, तेज तर्रार नेता और गाँव देहात के आप लोकप्रिय नेता निकल के आए और आपको जो है लोकसभा लड़ाई गई दक्षिणी दिल्ली, लेकिन पार्टी ने उस सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा था जब भारतीय जनता पार्टी की हमेशा हर के ईश्वर तेज परिवारों को जवाब जब्त होती थी, बड़ी कठिन सीट थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व में विशेष रूप से जेटली साहब को मैं धन्यवाद दूंगा। उनका कोई बात नहीं, हम समाज सुधारने के लिए राजनीति में है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। वो सीट भी हम जीते, वहां के लोगों का भी भला हो, जैसा काम आपने पुरानी विधानसभा में कराया वहां भी विकास हो। आप चुनाव लड़िए, लूज कर जाएंगे तो पार्टी तुम्हें कंपनसेट करेगी, टेंशन मत लो, आपको मान सम्मान मिलेगा। और पार्टी ने मुझे वहां से चुनाव लड़ाया, पुरानी वाली सीट पे जिसको मैंने कहा इनको टिकट दे दो, पार्टी ने उसको टिकट दी, दोनों सीट में जीत गया। तो पार्टी ने मुझे मौका 2009 में लोकसभा चुनाव में लेकर दिया, और मेरा सौभाग्य ये रहा कि उस 2009 के चुनाव में दिल्ली में सभी सीटें हम 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वोटों के मार्जिन से हारे थे, केवल साउथ दिल्ली सीट हम 1 लाख के मार्जिन से हारे थे 2009 के अंदर में।
तो वो 1 लाख के मार्जिन से हार कर नया में था, लेकिन हमारा जो विधानसभा का काम करने का 2008 से 2013 तक फिर हमने काम किया, एमएलए रहते एमएलए तो सही है रहते काम किया और वहां पर जो वायदे किए ओखला औद्योगिक क्षेत्र हरकेश नगर तेकानपुर बलरामपुर के लोगों से, और आज साउथ दिल्ली दक्षिणी दिल्ली की एक विधानसभा है तुगलकाबाद जहां से मैं विधायक रहा हूँ, वहां की अनथराइज कॉलोनी में सीवर लाइन है, मुझे लगता है पहली दिल्ली में कॉलोनियां होंगी वो जिनमें सीवर लाइन है, और कांग्रेस की सरकार होती है शिलाजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री थी, तो क्योंकि हमने जो लोगों से वायदे वही करते हैं जो कर सकते हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा जो कहा वही किया उन्होंने, हर वालों ने विपक्ष का धर्म है काम है उसने क्रिटिसाइज कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तसल्ली से लोग सोचेंगे तो हर विषय पर प्रधानमंत्री ने काम किया है, कुछ जुमले नहीं कहे जो कांग्रेस जुमले कतर में नहीं कहे, जो अच्छे दिन आएंगे उस लहर में मोदी की लहर में जो है पूरे देश उनके साथ हो गया, क्या लगता है कि 2019 फिर दोबारा जो है चलो मोदी के साथ एक बार फिर से दोबारा भाजपा सरकार, क्या लगता है आपको फिर से दोबारा देश की जनता उन पर विश्वास करेगी? देखो ये तो देश की जनता से पूछोगे तो देश की जनता में 70% लोग यही कहेंगे हम पर विश्वास करेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे सुनने में तो लोग यही कहेंगे आप तो भाजपा के कहेंगे, लेकिन जनमानस का रुख यही है, आज हमारा कार्यक्रम था यहाँ पर उस कार्यक्रम में देखो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 में क्यों नहीं आएंगे, कांग्रेस एक सवाल लगाकर दिखा दे 4.5 वर्ष में तो भ्रष्टाचार की बात करके दिखा दे, राफेल राफेल वो पुकारते रहते राहुल बाबा एक एक चीज का जी तोड़ कर जवाब दे दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने सेक्रेटरी ने फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको जवाब जहां झूठ बोलने का प्रयास किया, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, राफेल का नाम मुझे बाद में अगर क्वेश्चन करते 20% कम में सौदा हुआ, और जो नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी मुद्रा बैंक के देश में 85 करोड़ नौजवान है, 132 करोड़ की आबादी में 65% नौजवान है, 85 करोड़ नौजवान है, अभी 85 करोड़ नौजवानों में केवल 14 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक से लोन मिला, तो बहुत बड़े वर्गों को नहीं मिल पाया रोजगार, तो 4 वर्ष में 85 करोड़ नौजवानों को रोजगार 70 साल में नहीं दे पाए वो असंभव है, लेकिन 14 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से रोजगार मिला है, देश के इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो गति बढ़ी है उसमें सबको रोजगार मिला है, होटल्स प्रोफेशन के अंदर 50% होटल का उद्योग बढ़ा है, उस होटल में उद्योग करने वाले के 50% पहले 50 होटल थे 100 हो गए, तो क्या बाकी के 50 होटल के लोगों को वहां मैनेजर नहीं मिलेगा, वेटर नहीं मिले क्या, असिस्टेंट मैनेजर नहीं मिले क्या, वहां पर खानशाला बनाने वाले किचन कुकर नहीं मिलेगा, तो उनको रोजगार मिला है, तो इस प्रकार से रोजगार तो मिला है, और प्रधानमंत्री ने यह कहा था रोजगार देंगे, और देश में 90% रोजगार वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उत्पन्न होते हैं, ये कोई मोदी जी ने नहीं किया है, देश का जब से संविधान बना है जब से देश आजाद हुआ है केवल सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर के अंदर 10% रोजगार होता है, 90% रोजगार तो दीप जी मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटलिटी के अंदर, टूरिज्म के अंदर, अनेकों प्रकार के जो काम हो रहे हैं, 12 किलोमीटर से 32 किलोमीटर सड़क बनी है, इतनी तेजी से काम बढ़ा है, तो क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ, क्या कहता है कि मोदी जी की जो योजनाएं थी जैसे उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, आसमान हो, या नोटबंदी या जीएसटी जिस तरह से आए, क्या लगता है कि देश की जनता पे इसका कितना असर पड़ा है? देखो देश की जनता ने नोटबंदी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में जवाब दे दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने नोटबंदी का, राहुल जी को मायावती को या अखिलेश जी को या जो भी लोग नोटबंदी हराते हैं कम्युनिस्ट लोग या ममता जी हराती है इनके बुरे दिन जरूर आ गए, और प्रधानमंत्री ने इनके अच्छे दिन लाने की बात नहीं की थी कि कांग्रेस के अच्छे दिन लेके आएंगे, मायावती के अच्छे दिन लेके आएंगे, ये देश को लूटने वाले लोगों के बुरे दिन लाने की बात 125 करोड़ देशवासियों के अच्छे दिन आएंगे ये प्रधानमंत्री ने कहा था, तो 125 करोड़ देशवासियों के अच्छे दिन में आज देश के अंदर विदेश में भी भारत की जो छवि बनी है, आज भारत आर्थिक स्थिति के रूप में 11वें स्थान से 6वें नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आने जाने वाले दुनिया में भारत का क्या नाम हुआ है ये अच्छे दिन की फीलिंग देते, और देश के अंदर आज हर व्यक्ति को ये लगता है विश्वास परसेप्शन जो बन गई है वो ये बन गया है कि जो मोदी ने कहा है वो करेगा, जो किया है वो ईमानदारी से किया है, तो नियत सच्ची है तो नियति भी साथ देती है, इसी वजह से निश्चित रूप से 23 में कोई बुरा है ही अच्छे दिन की बात, अच्छे दिन चल रहे हैं आएंगे, अभी कुछ लोगों को जैसे मुद्रा बैंक में निजी लोगों को लोन नहीं मिला मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरी सरकार एक्सेप्ट करेगी अगर कहेंगे तो, क्योंकि बैंकों को कहा गया था कि लोन
सरकार चुकाएगी, आपने गारंटी नहीं लेनी। बैंक के अंदर अनसिक्योरिटी होगी हुई, बैंक मैनेजर ने सोचा होगा सरकार 10 साल 15 साल रहे बदल जाएगी, तो बैंक मैनेजर ने वो मुद्रा बैंक का लोन अपने जानने वाले लोगों को ज्यादा दिया जो नीडी भी नहीं थे कि रिकवरी बढ़िया तरह हो जाए। वो गलतियां हुई है कुछ समय में, लेकिन बैंक के योगदान को नहीं भूल पाएंगे कि देश में 24 करोड़ परिवारों के जनधन योजना में घर जाकर खाते खोले दिन रात काम करके, तो वह बैंक के लोगों को धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी अपनी सिक्योरिटी को देकर बैंक का किया भी है कि मुद्रा बैंक जानने वालों को दिया होगा, निडी व्यक्ति अप्लाई करने गए उसको 19-20% को मिला होगा, लेकिन आने वाले समय में बैंक भी कब तक जानने वालों को देंगे? निडी को लोन मिलेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा 101%। तो परसेप्शन बढ़ी है दीप भाई कि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो देश का जनमानस जानता है, वो करेंगे। तो क्या लगता है कि अच्छे दिन जो है? अच्छे दिन तो तभी आएंगे कि सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल हर व्यक्ति को जाति धर्म संप्रदाय इनसे हटकर सड़क पर सभी चले हैं। मुद्रा बैंक के लोग सभी लोगों को मिले हैं। मायावती जाति की राजनीति करती है, मैं पूछना चाहता हूँ मायावती मुख्यमंत्री रहते हुए कितने उस समाज की कन्याओं की शादी की है? अपने परिवार के लोगों को आपने कहा था कि मायावती ने टिकट के बदले में 2-2 करोड़ रुपए लिए, ये 2 करोड़ रुपया मेरे उस गाँव के 5,000 परिवारों में बंटवा दिए और वो अपने बच्चों की शादी करे, घर बनाए, कितने का भारत किया। इस बार जिस तरह से सर इस बार नारा है कि चलो चले मोदी के साथ भाजपा सरकार फिर एक बार, क्या कहेंगे इसको? 100% ये आह्वान देश की जनता को करना है, भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान कर दिया है कि चलो चले मोदी के साथ मोदी सरकार फिर एक बार। तो 100% अगर देश का उत्थान चाहिए, देश को विश्वगुरु बनाना है तो मोदी के साथ चलने में है, वरना यही काकस जो भ्रष्टाचार की जननी के रूप में महागठबंधन के रूप में महामिलावट के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश को उसी स्थान पर ले जाकर फिर भ्रष्टाचार में झोंक ले, जिससे 4 साल में भ्रष्टाचार से देश को निकाल कर ऊपर लेकर आकर और जनहित के जनमानस के काम करने का प्रधानमंत्री ने प्रयास किया। ठीक, फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चर्चा में जारी रहेगी हमारी चर्चा, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में किस तरह से 4.5-5 सालों का जो है कार्यकाल रहा और उनका लेखा जोखा। सांसद रमेश बिधूरी से फिर दोबारा होगी हमारी चर्चा एक ब्रेक के बाद। अरे कौन आ गया? अरे साईं भैया, और हरी क्या चल? और भाई क्या हो रहा है? और भैया बताइए कैसे हैं? और सब बढ़िया, तू बता क्या हो रहा है? और हरी क्या कर रहा है भाई? भैया वेबसाइट पर कपड़े देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर मिल नहीं रहा। अरे कौन सी वेबसाइट देख रहा है तू? भैया बहुत सी वेबसाइट है पर किसी को मिल ही नहीं रहा। अरे यार हरी तू भी क्या करता है, आर सोनी न्यूज देखा कर, www.rsoninews.com, जिसमें देश विदेश की तमाम खबरें तुझे मिल जाएंगी। और हाँ, YouTube पे भी तू इसको सर्च कर सकता है। और सुन, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हाँ पसंद आए तो शेयर जरूर करना। आर सोनी न्यूज। भैया मजा आ गया आर सोनी न्यूज देखकर, कहा था ना चल अब चाय पिला। राजनीति की खबरें देखनी हो या क्राइम की, उन तमाम खबरों को हम दिखाएंगे आर सोनी न्यूज पर। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल आर सोनी न्यूज को सब्सक्राइब करें। आर सोनी न्यूज की पूरी टीम लगातार उन खबरों को ढूंढकर लाती है जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं। तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट को www.rsoninews.com को, और आप नीचे लिखे हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्षेत्र की कोई भी खबर और अपनी समस्या को हम तक भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से दोबारा एक बार स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी व दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सांसद रमेश बिधूरी से, और जब जानेंगे ब्रेक के बाद उनसे उनके 4.5-5 सालों के कार्यों का लेखा जोखा, जिस तरह से पूरे 4.5-5 साल तक वो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में कार्य करते रहे, क्या क्या उन्होंने कार्य करे, आइए हम जानते हैं उनसे। सर सबसे पहले आपने जिस तरह से दक्षिणी दिल्ली में 4.5-5 साल का लेखा जोखा, आपने एक फाइल भी निकाली थी और उसके द्वारा पंपलेट के द्वारा सब जनता को दिखाया, क्या था वो थोड़ा उसके बारे में? देखो पिछले चार वर्ष में जो साउथ दिल्ली में डेवलपमेंट के काम हुए हैं,
वो काफी नहीं है, विकास कभी थमता नहीं है, वो चलता है बिल्कुल। लेकिन पिछले 20 वर्ष जब से मैं जीवन में हूँ, जब 20 वर्ष की अपेक्षा इस 4 वर्ष में जो काम हुए 25 वर्ष और 20 वर्ष में, उनको कंपेयर करेंगे तो हर व्यक्ति पहचानेगा कॉलोनी में जाने के बाद कहीं भी पूछेंगे, किसी भी क्षेत्र में जब जाए कहीं, अगर आप गरीब परिवार में उसकी बेटी की शादी हो जाए, वो बड़े बड़े होटल कहाँ बुक करे, फार्म हाउस कहाँ बुक करे, कम्युनिटी सेंटर की अगर मैं बात करूं तो 23 कम्युनिटी सेंटर, नए कम्युनिटी सेंटर का हमने निर्माण कराया 4.5 वर्ष में, हिस्टोरिकल होगा, ऐतिहासिक है, किसी भी सांसद से पूछ लेना वो कभी बता नहीं सकता। 23 कम्युनिटी सेंटर, सिर्फ 4 कम्युनिटी सेंटर ऐसे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे पिछली सरकारों के टाइम के, बाकी के जो 19 है उनकी नींव हमने रखी है, पैसा हमने सेंक्शन कराया है, और सबके मैं नाम गिनवा सकता हूँ, सेक्टर 9 से लेकर सेक्टर 2 द्वारका बाला में तो सबसे बड़ा सर कम्युनिटी सेंटर, हाँ 5.5 वर्ष की करोड़ की आपका हम रंगपुरी का जो कम्युनिटी सेंटर जो बनाया गया वहां पर, उसके बाद देवली के बराबर पंचायत घर को लेकर हम चलेंगे, उसके बाद अम्बेडकर नगर, उसके बाद हरकेश नगर, श्रीनिवासपुरी, तेखंड, तुगलकाबाद, जे कॉलोनी, दक्षिणपुरी, इनमें जो कम्युनिटी सेंटर 23 कम्युनिटी सेंटर बनाना एक हिस्टोरिकल काम है। तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी में शेड थी, शेड रेलवे हमारी आ गई, हम एमपी बना रहे दोनों एयर कंडीशन बनाए, नॉर्थन में भी और वेस्टर्न के अंदर भी तुगलकाबाद। अच्छा, जिस तरह से सर आपने जो है जिम और पार्कों का काफी सौंदर्यकरण करा, साथ ही कई बार जो है आपने हरियाणा से भी जमीन लेके जो है जयपुर और गदरपुर वालों को दिलवाई है, उसमें भी पार्क का सौंदर्यकरण करा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हरियाणा की सरकार 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की थी, दिल्ली में कांग्रेस की थी, यहाँ सांसद कांग्रेस का था, वहाँ सांसद कांग्रेस का था, कुछ नहीं। हमने हरियाणा की 10 एकड़ जमीन डेवलपमेंट करने के लिए मीठापुर के अंदर अलॉट करा दी, कुछ वहीं के लोग विरोधी पार्टियों के लोगों ने भूमिका बनाई और कोर्ट में चले गए, स्टे ले गए, डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उनकी बाउंड्री हो गई है और मिट्टी डल के प्लान हो गए। इसी प्रकार से बदरपुर के अंदर तो पार्क था ही, बदरपुर में 35,000 की आबादी, वो लोग एनटीपीसी के पार्क में जाते थे, एनटीपीसी के लोग जब मर्जी जाए, गेट बंद कर दिया, माता बहने वहाँ पर स्वस्थ। हमने वहाँ पर 3 एकड़ डीडीए की जमीन, जो लोकल शॉपिंग सेंटर की जमीन थी, उसकी लैंड ही ट्रांसफर करा के वहाँ पर पार्क बनवाया। राजपुर खुर्द के अंदर और मैदान घड़ी के अंदर 1 एकड़ जमीन से पार्क नहीं बनवाए। वसंत कुंज C4 और C3 के बीच में, पुलिस स्टेशन के पीछे में, वहाँ 8 एकड़ में पार्क बनवाया। तो जो नए पार्क वसंत कुंज के अंदर बनवाए, महिपालपुर के अंदर बनवाए, तुगलकाबाद गांव के अंदर बनवाए, तेखंड में, हरकेश नगर में, इस प्रकार के पार्कों का निर्माण कराकर 200 पार्कों के अंदर जिम लगाए लोगों, ओपन जिम, जिससे ओपन जिम के लोग साथ लोग स्वस्थ रह सके। 21 जून को वर्ल्ड हम उसके हेल्थ डे के रूप में, योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो हम दुनिया को तो संदेश दे, हम ना करें, ये मोदी सरकार की कल्पना ही सरकार की नहीं हो सकती थी, हमें पहले करना था तो किसी को दिखाएंगे, हमने उसको करके दिखाया कि हमारे यहाँ भी हर पार्क में योगा लोग कर सकते हैं। तो योगा डे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने देश का गौरव किया है, 172 देशों ने माना है योगा डे मनाते हैं, तो हम पहले अपने से प्रारंभ करें। इसलिए आज दिल्ली के अंदर यानी पूरे देश में 40% स्वस्थ को लेकर और स्वच्छता को लेकर जागरूक हुआ करते थे, 98% लोग जागरूक हुए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रेय जाता है। और हम कल को कहें ना कहें, जैसे जरा सा बेटी के साथ में अत्याचार होता नजर आता है तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में भी, नेताओं के सामने भी, मीडिया के सामने कहते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम योगा डे का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो हम कितने उसमें जागरूक है वो करके दिखाया 4 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने सभी संस्थाओं को आदेश करने के बाद जो किया है हमने। साथ ही सर आपने जो है कई फ्लाईओवर और अंडरपास का भी निर्माण किया, क्योंकि ट्रैफिक का यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होता था, तो कौन कौन सी जगह आपने इस तरह के काम किए, जैसे मीपालपुर में आपने किया, हरकेश नगर में आपने करा, और क्या क्या कहाँ पे काम है दीप जी? इसमें आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिविटी के लाइन में बात बनेगी नहीं। कितना भी मीठा खा लो, जब तक नमकीन नहीं खाओगे तो काम करेगा ना। केजरीवाल जी की वजह से आज दिल्ली त्रस्त है, बर्बाद हो रही है। केजरीवाल शायद दिल्ली में मुख्यमंत्री ना होता तो गडकरी साहब ने सितंबर 2017 में मीटिंग बुलाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर और स्वतंत्र जैन आए थे, केजरीवाल तो नहीं आए थे, उनको ये कहा था कि महिपालपुर से लेकर ये जो सड़क तुम्हारी सर्दी जाती है बदलपुर तक, ये पीडब्ल्यू की सड़क है, इस सड़क को मुझे दे दो, मैं नेशनल हाईवे क्रिएट कर देता हूँ और नेशनल हाईवे 8 को टूटे जोड़ के एलिवेटेड रोड सड़क बना देता हूँ। स्वतंत्र जैन जी ने कहा नहीं, हम खुद कर देंगे। उन्होंने कहा मेट्रो की आप परमिशन नहीं दे पा रहे, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। गडकरी साहब ने कहा पूरे देश में मेट्रो इसी पैटर्न पर लाई जा रही है, 50-50 के पैटर्न पर, 50% पैसा मेट्रो को दो, 50 के अंदर करेंगे मेट्रो चला देते हैं। सब
13 सितंबर को हम आगे चले गए सतेंद्र जैन जी, आज तक लौट के लिए आए। हरदीप पुरी ने कहा अगर दिल्ली की जनता को ऐसे नहीं मरने देंगे जाम में, हम अकेले जाएंगे फिर मेट्रो लेने के लिए, हम खुद पैसा लगाएंगे। केजरीवाल को वो प्रपोजल लाना पड़ा कि ठीक है 50% पैसा देंगे। कहने के बाद फाइल वापिस यूडी में भेजी, यूडी ने उसकी प्रपोजल प्लानिंग के लिए केजरीवाल के पास भेजी, उसमें नोट लिखकर भेज दिया कि मेट्रो चलने के बाद जो भी एक्सपेंसिस होगा वो 50% स्टेट गवर्नमेंट बेयर नहीं करेगी, केंद्र ही करेगी, केंद्र सरकार को। फिर कटक ट्रेन में खड़ा कर दिया, केंद्र सरकार अगर दिल्ली का सारा पैसा बेयर करेगी तो बाकी 9 राज्यों में मेट्रो बन रही है वो मुख्यमंत्री आगे लगा जाएगी, केंद्र राज्य किस बात के लिए मुख्यमंत्री हुआ। अब वो फंसा के फिर मेट्रो को रोक दिया, क्योंकि 50-50 पर भी केजरीवाल सी माने कि महिपालपुर के अंदर बसंत कुंज की तरफ से जाने वाले लोग, लाखों लोग जो जाम में जूझते थे, महिपालपुर के लोगों के सामने सर पर तलवार लटकी रहती थी, पता नहीं कब हमारे घर गिर जाए, सड़क चौड़ी होने का आदेश हो जाए। हरदीप पुरी जी ने यह बात कही जब केजरीवाल से भी यहाँ पर पुल बनाना चाहते हैं, सड़क है इसमें एलिवेटेड रोड आप बना दो, 20 करोड़ का खर्चा है, बाकी 160 करोड़ हम खर्च करेंगे, मना कर भी हमको पैसा नहीं देंगे। हरदीप पुरी जी ने केंद्र से ही 20 करोड़ रुपया देकर रोड बनाया है, वहां पर एलिवेटेड रोड बना हुआ है, तो वो पुल 188 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया। बसंत कुंज से धौला कुआं या गुड़गांव जाने वाले, वहां से आने वाले लोगों को महिपालपुर आधा घंटे जाम में नहीं जूझना पड़ेगा। जैसे हरकेश नगर में भी जो है रेलवे क्रॉसिंग से काफी दुर्घटनाएं भी होती थी, साथ में आपने काफी जोर लगाया, तो आज वहां पे भी जो है हरकेश नगर के निवासी 40 साल से फुटो रोड भी मांग रहे थे, 40 साल से, देखो मेरे राजनीति मान से पहले से लोग कहते थे कितने सांसद बने, कितनी सरकारें बनी, नहीं बना। हमने उनको कहा हम सांसद बनेंगे तो तुम्हारा इस टेन्योर में ही फुटो रोड बनवाएंगे। हमने वहां रेलवे मंत्री ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी को बुलाकर शिलान्यास कराया, एक साल में फुटो रोड बनवाकर हरकेश्वर लोगों को दे दिया। एक साल में कम से कम 300 से 400 लोगों की मौत हो जाती थी रेलवे के नीचे करके मरते। इसी प्रकार से पूर्व पैरागुल में हमने फुटो रोड का निर्माण कराया। इसी प्रकार से कालंदी कुंज की सड़क एक फरीदाबाद में जाती है, वो नहर आगरा कैनाल है, यूपी इरीगेशन कहती है कि भाई दिल्ली इसको उपयोग करती है, दिल्ली पैसा दे हम सड़कों बना देंगे। पहली सरकार पैसा दे ही रही है, साहिब सिंह वर्मा ने पुल बनवाया था, मुख्यमंत्री थे, सड़कें बनती रही थी, लेकिन केजरीवाल ने 3.5 वर्ष में यूपी गवर्नमेंट को जब पैसा नहीं दिया, और सतेंद्र जैन ने कहा कि मैं NTPC की लैंड को एक्वायर करके सड़क को चौड़ा करूंगा जो बाद में पहाड़ी से ऊपर जाती है, जब 1.5 साल में नहीं की तो अब एक 148A नेशनल हाईवे क्रिएट किया है, वो कालंदी कुंज से लेकर और फरीदाबाद और कालंदी कुंज से एलिवेटेड होकर DND में जोड़ा जाएगा, जो 900 करोड़ की लागत से बनेगा, जहां से वहां के लोगों को निजात मिलेगी उस नहर के पुल से पार करने के लिए 6 लाइन का, और वो कापस उंगली मानेसर पलवल के MP से जोड़ने का प्रयास है, तो उसमें काम शुरू हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो बदरपुर के लोगों को उससे निजात मिलेगी। तो मैंने जिसे कहा केजरीवाल साहब अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ना होते तो दिल्ली वास्तव में ही पेरिस बन गई होगी। दिल्ली में केजरीवाल साहब की मुसीबत क्या है, मेट्रो को शीला लेकर आई, उसको साइको है कि भाई कहीं ना कहीं ये क्रेडिट शीला को चला जाएगा, तो शीला आई तूने क्या बना दिया। आप ही सर काफी टाइम से जो है फोर्थ फेज के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे, लगातार जो है जनता की मांग थी कि जयपुर से जो है सिटी तक बने, वो की गई, लेकिन उसके बाद जो है आपके प्रयासों से फिर जो है दोबारा शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सर? दोबारा शुरू हो गई है, और मुझे आश्वासन दिया शहरी विकास मंत्री ने कि फोर्थ फेज की मेट्रो तुगलकाबाद से जयपुर तक जब काम शुरू होगा तो जयपुर तक जाएगी। एक डेपुटेशन भी गया था वहां पर, उनको आश्वासन दिया उन्होंने, और हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे नहीं मानेंगे केजरीवाल साहब मेंटेनेंस के 50% पैसे भूगी तो कोई उनका रास्ता खोजकर लोगों को तिगरी से लेकर लाल कुआं से लेकर खानपुर अम्बेडकर नगर तक सिंधुरी सैकड़ा जाओ दीजिए, आप यहाँ से निकल कर जाओगे और बदरपुर की तरफ आपको 1.5 घंटा चाहिए, मैं 4 बार सोचता हूँ तो जाम में फंसे रहते लोग, और बात जाम की छोड़ दो, कोई मिसहैपिंग हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, एम्बुलेंस निकाल कर जानी पड़े, तो केजरीवाल लोगों की मौत के सौदे कर रहा है अपनी सत्ता को आगे रखते हुए। आयुष्मान योजना अगर मेडिकल के दल पर जाओ, 5 लाख का लोगों को अगर खर्चा मिल जाए अस्पताल में इलाज कराने का, सभी देश के मुख्यमंत्रियों ने लागू कर दिया, एक ममता बनर्जी और एक केजरीवाल आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रहे। मेरा आपसे भी निवेदन है, मीडिया से मेरा निवेदन है, केजरीवाल को पूछिए कि आप इस बात से डर गए कि मोदी को क्रेडिट चला जाए, आप ऐसे काम दिल्ली में करिए, मोदी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश में आयुष्मान, आप आयुष्मान योजना को लागू क्यों नहीं कर रहे, तो आप लोगों की जान के साथ में खेल रहे, गरीब लोगों की जान के साथ उनका इलाज हो पाए, मगर इलाज में मर जाए। तो केजरीवाल जैसे अनारकी लोग दिल्ली की सीट पर बैठने के बाद मोदी जी के इलाज में दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि उसका लाभ नहीं ले पाए दिल्ली के लोग, काश केजरीवाल मुख्यमंत्री ना होता तो दिल्ली के लोग उसका लाभ ले पाते, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे ट्रैफिक के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो। सुनिए,
कॉलेज खोलना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, हमने लैंड मांगी ग्राम सभा की केजरीवाल साहब से, वो रोज कहते हैं केंद्र मुझे काम नहीं करने, केंद्र मुझे काम नहीं करने देगा। डिप्टी कमिश्नर निहारी का राय वो सरकार में कहीं से पूछिया, उससे सिसोदिया जी बोलते हैं केजरीवाल दोनों की विनोदी से बोलो हम कॉलेज के लिए कोई जमीन नहीं देंगे, डीडीए से ले लेंगे। वो डीडीए की जमीन नहीं है, वो तो ग्राम सभा की जमीन है। अब बताओ केजरीवाल की बपौती है क्या वो? दो साल बाद तुझे पता लग जाएगी जमीन तुम्हारी है क्या? तो यहाँ के अगर नौजवान बच्चे, गरीबों के बच्चे, लड़कियां बेटियां कॉलेज में पढ़ने के लिए कॉलेज बन जाता, केजरीवाल का क्या बिगड़ जाता थी? नहीं दी लेटा सर, आठ तक हो गया क्या? काउंसलर एमसीडी काम करे 300 करोड़ रुपया बैक डेट से केजरीवाल ने फिर दिए दिल्ली की जनता, एमसीडी को पैसा ही नहीं देंगे तो काम कहां से होगा? और रोज एलिगेशन लगाते हैं मुझे केंद्र काम नहीं करने का, गरीब लोगों को भोले भाले लोगों को बदलाने के लिए कहते हैं, जबकि केजरीवाल उस मानसिक इस मानसिकता का है नेगेटिविटी का कि आयुष्मान उन्होंने रोका, मेट्रो उन्होंने रोकी, कॉलेज उन्होंने रोका, एमसीडी का पैसा उन्होंने रोका। अरे दिल्ली की जनता के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? झगड़ा रमेश तिरुड़ी के साथ हो सकता है, झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, जब चुनाव आएगा दो हाथ कर लेंगे, लेकिन लोगों के काम को, विकास के काम को क्यों नहीं लगता? नहीं सर, कई बार आपके तीखे वादों से जो है आप एजेंडा फंस जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी और पूर्वांचल पे भी आपके तीखे वादों के कारण कई बार आप ट्रोल भी हो जाते हैं। आप दीप जी कभी भी किसी भी एक चैनल पर एक वॉइस के अंदर कहीं किसी भी जाति समाज के लिए मेरा तीखा और गलत शब्द दिखा दे, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा जी। मैं हम देश जोड़ने वाले लोग हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, भारत के हर नागरिक को कहीं भी रहने का अधिकार है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बलिदान दिया, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम कश्मीर में जाकर बसने की मांग कर रहे हैं और दिल्ली के लोग बसेंगे नहीं। प्रपंच रचने का प्रयास किया, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण चुनाव जीत नहीं पाते हैं, वो कहते हैं रमेश विधोड़ी हटेगा तो शायद हमें भी टिकट मिल जाएगी। अरे अच्छे काम करो टिकट मिलेगी, उनको लगता है रमेश भी नहीं रहे हमारी टिकट कट जाएगी। अब रमेश विधोड़ी तो उसी को टिकट के लिए सिफारिश करेगा ना, सेवा भाव से काम कर रहा है, जो हमारी आइडियोलॉजी विचारधारा है। वरना जो मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जाता है वो दुष्प्रचार में एक लेश मात्र भी सच्चाई नहीं मिल सकती और लोगों के एजेंडे होते हैं। मैं जब 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, मेरे खिलाफ पंपलेट छपवा गए, मेरे खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है हीनियस क्राइम, हमने उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई संघ विहार में। केजरीवाल ने एक लीडिंग चैनल के ऊपर बोला कि रमेश विधोड़ी के खिलाफ हीनियस मामले दर्ज है, अगर मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते तो कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस देकर जमानत पर छोड़ा है, चार्ज पीएम किया उसके खिलाफ। केजरीवाल साहब आज भी इस तारीख को भुगत रहे हैं कोर्ट के अंदर, सभा विश्वाल विशाल जी की कोर्ट में वो मामला चल रहा है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, गडकरी साहब से माफी मांगी, जेटली साहब से माफी मांगी, मेरे पास भी ऑफर आई थी केजरीवाल साहब के, मंत्री जी को और विधायक की, केजरीवाल साहब माफी मांगने को तैयार है, उसी चैनल पर बैठकर कहे कि मुझसे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां हुई है, भविष्य में ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा, तब हम सोचेंगे, उसी चैनल पर जाकर बोले जी मैंने कहा है। अच्छा मैंने गलत कह दिया क्या? मेरे गलत तो नहीं कहा, सांप अगर काट लेता है तो कहते हैं जहर तो मारने के लिए जहर का ही इंजेक्शन बनाया जाता है, ड्रैगन के जहर पर तभी आदमी बचता है। तो केजरीवाल साहब जो आपने आरोप लगाए उनको वहीं से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोले लोगों को। अभी सर जो आपने अपने काम का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा, साथ ही जनता को भी आप दिखा रहे हैं, तो क्या वो पूरा हो चुका है और भी आपको कुछ समय चाहिए जिसके लिए कि आगामी जो है 2019 में फिर एक बार रमेश विधोड़ी द्वारा दक्षिण दिल्ली लोकसभा से? देखिए आदर्श गांव हमने लिया था, उस गांव में जो एनसीडी से रिलेटेड काम थे वो हो गए, दिल्ली सरकार से रिलेटेड काम बाबा केजरीवाल रोकता है, अधिकारियों को इंस्पेक्शन पे जाने से धमकी देता है, लिए कुछ काम 20% के करीब बचे होंगे, लेकिन जो हमने वायदा किया था वो 100% वायदे पूरे हुए। कॉलेज वाला मामला हमारा दिल्ली का वाइस चांसलर तैयार है कॉलेज बनाने के लिए, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जमीन देने को तैयार है, केजरीवाल साहब उसमें रोज लगातार एनओसी लगाते रहते फाइल के अंदर, लेकिन बकरी की कब तक खैर बनाएगी, कॉलेज बन के रहेगा। अम्बेडकर नगर में 200 बेड के अस्पताल बनाने का वायदा किया था, एनबीसीसी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, वेंकैया नायडू जी गृह मंत्री थे, जेटली साहब ने पहले बजट में घोषणा की, आप जेटली साहब का पहला बजट निकालिए, दिल्ली पर राष्ट्रपति शासन लागू था, वो बजट जेटली साहब ने पेश किया, जेटली साहब ने कहा था 50 करोड़ रुपया हमने एक अस्पताल बनाने का रखा हुआ है जो साउथ दिल्ली में बनाएंगे, जहां से हमारा विधोड़ी चुनकर आया है। ये बोला जो अम्बेडकर नगर की अस्पताल बन रही है वो हमारी 2014 में हमने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी जो राष्ट्रीय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसके माध्यम से केजरीवाल की देनी है, लेकिन उसको केजरीवाल इसलिए पूरा नहीं कर रहे कि उसका उद्घाटन होगा
एमपी को बुलाना पड़ेगा, एमपी को बुलाएंगे तो फिर ये जाएगा, ये शुरुआत किसने करी थी, मैं भी प्रेस करूंगा। अब लोगों को जो अस्पताल मिल जानी चाहिए थी आज से 2 साल पहले, वो केजरीवाल साहब की वजह से मिल नहीं रही है मेरे अस्पताल, उसमें 100 प्रसूति विभाग के बैठे और 100 जनरल बैठे हैं। सर केजरीवाल साहब की नेगेटिव मानसिकता के कारण दिल्ली के लोगों को बहुत भोगना पड़ रहा है। सर 2 या 3 महीने के बाद ही जो है लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और चुनाव का जो है रण जो है शुरू होने वाला पूरे देश के अंदर, दक्षिण दिल्ली लोकसभा में आप क्या मुद्दे लेके चलेंगे जो कि इस बार फिर दोबारा जो है जनता के बीच रखेंगे आप, इस तरह के कोई मुद्दे जो 2014 में आपने? दक्षिणी दिल्ली में पार्टी ने मेरे ऊपर विचार करेगी चुनाव लड़ाने का, मुझे दक्षिणी दिल्ली से पार्टी चुनाव लड़ाएगी। नंबर एक तो पार्टी अगर मुझे कहीं से भी चुनाव लड़ाएगी तो दक्षिणी दिल्ली से ही लड़ाएगी, तो मैं रणनीति को पार्टी को काम करूंगा। पहले तो भ्रामक बातें लोग मेरे खिलाफ बार चलते रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सहता पार्टी में जाऊंगा करते हैं लोगों को, दक्षिणी दिल्ली से ही पार्टी मुझे अगर विचार करेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी विचार नहीं करेगी मैं सगन का काम करूंगा, पार्टी ने तय करना है। लेकिन जो ये काम मेट्रो वाला है, तो सबसे पहला मेरा दिल्ली की जनता से दक्षिणी दिल्ली वालों से निवेदन होगा कि दिल्ली का अगर विकास आगे चौकी करना है तो केवल एमसीडी और डीडीए के माध्यम से नहीं होने वाला, केजरीवाल को हटाना पड़ेगा। केजरीवाल रहते हुए फिर केजरीवाल कहकर डीडीए मेरी नहीं सुन रहा, एमसीडी मेरी नहीं सुन रहा, गवर्नर मेरी नहीं सुन रहा, वो फिर बहाने मारे अभी क्या कहकर वोट मांग रही थी, मेरे सांसद चुनकर लाइए डीडीए के सब काम करा रहे। अरे आज आप एमसीडी को पैसा नहीं दे रहे तो डीडीए को तुम पैसा कैसे दे दोगे फिर, और डीडीए के पैसे से कैसे डेवलपमेंट हो जाएगा। तो दिल्ली को ठीक करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी दिल्ली से केजरीवाल जी की विदाई। लेकिन सर जिस तरह से 7 सीटों पे जो है इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं आप पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के साथ आप पार्टी भी रहेगी, तो कितनी आपको लगती है कि इस बार तीनों, क्योंकि आप पार्टी भी मैदान में रहेगी? देखो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ लो कांग्रेस के साथ में अलग लड़ लो, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतेगी। मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता 0.1% भी कम नहीं हुई है। दिल्ली में वही लोग रहते हैं, वो सब जानते हैं, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, वहां पर सबने बीजेपी को जिताया योगी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोग रहते हैं, नीतीश जी को भ्रष्टाचारियों को छोड़कर अंतोदत्वा ठीक जगह आना पड़ा, नीतीश जी एनडीए को छोड़कर गए थे, भ्रष्टाचारियों के साथ सोचा था मजे मारूंगा, लेकिन उनको लगा भ्रष्टाचारियों के साथ मेरी नहीं बनेगी, वो लौट के वहीं आ गए। बिहार की जनता को सुशासन चाहिए तो नीतीश जी को रखना पड़ेगा, लूट खसो चाहिए तो लालू खानदान को लेकर आना है, बिहार के लोग उनको निर्णय करना है। तो इसलिए वहां के लोग हिमाचल में बीजेपी की सरकार, सॉरी पूर्व उत्तरांचल में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, जो आसपास के राज्य के लोग भी दिल्ली में रहते हैं उन्होंने सबने बीजेपी को जीता है, तो बीजेपी जीतेगी, 7 सीटें बीजेपी की आएंगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे सर? कार्यकर्ताओं को मेरा यही संदेश है, जिस मिशन को लेकर हम दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, अडवाणी जी, इनके संघर्ष को लेकर हम लोग आए, जिस विचारधारा को लेकर, तो त्याग की मूर्ति नानाजी जैसे लोग, इन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मंजिल पूरी, हम मंजिल तक पहुंचे नहीं, अभी मंजिल दूर है, क्योंकि जो 70 साल तक इस देश को गरका दिया जमीन के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, महंगाई, लोग महंगाई की चर्चा किया करते थे 5 साल में महंगाई दूर गई, महंगाई नाम की कोई चीज होती है, तो इन चीजों से निजात अगर पानी है भारतीय जनता पार्टी लोगों को, और संघर्ष करके और आगे बढ़ना पड़ेगा, परिवारवाद से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, व्यक्तिवाद से, इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ेगा, तभी राष्ट्रवादी शक्ति देश में मजबूत होगी। अंतिम सवाल सर, चलो मोदी के संग भाजपा आपकी बार फिर दोबारा, क्या कहेंगे इस पे? अंतिम सवाल, देश की जनता को क्या बोलना चाहिए? नहीं, मैं तो देश की जनता और दिल्ली के निवासियों से, सम्मानित निवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, वो कोई राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर में जाने से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान, अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय, जो आज उज्ज्वला योजना में, सौभाग्य योजना में बिजली, जनधन योजना, सुकन्या योजना में बेटी को 6,000 शादी के लिए मिला, 6,00,000 शादी के लिए मिला, ये अंत्योदय, ये दीनदयाल जी का सपना था, अटल जी के माध्यम से पूरा होते होते नरेंद्र मोदी इसको पूरा कर रहे हैं। तो इन सब सपनों को पूरा करने के लिए सब लोगों को चाहिए कि उस व्यक्ति को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए जो 70 साल की आजादी में वंचित, उपेक्षित, पीड़ित था और अपने अधिकार, अपने विकास की बात जोड़ रहा था, तब उसको उसका विकास अधिकार मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की वो पंक्तियां सार्थक होगी कि धन्य है वो जीवन जो दूसरों के काम आए। तो हम सब लोगों को जो साधन संपन्न लोग भी है उस वर्ग के लिए जीना चाहिए जो लोग अपने अधिकारों की बात जोड़ रहे हैं। यही मेरा उन सब लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। आप हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आए सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने आपकी मुलाकात कराई सांसद रमेश विधुड़ी से, जिन्होंने बेताकी से जो है अपने सभी क्वेश्चनों का और हमारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, साथ ही उन्होंने अपने दक्षिणी दिल्ली के कार्यों का भी लेखा जोखा हमारे बीच रखा।